गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाइस टू मीट यू अगेन इन योर हिंदी सुलेख क्लास. ओके, सो टुडे इज 23 अप्रैल 2021, डे इज फ्राइडे. आज की कक्षा में हम ये सीखेंगे कि अक्षरों और शब्दों को लिखते कैसे हैं. जिस तरह से आपकी अभी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत बिगड़ चुकी है, तो हम हैंडराइटिंग पे भी काम करेंगे आपके, ताकि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो सके. ओके, सो हम क्या करेंगे कि आज आप एक कॉपी में अपनी हैंडराइटिंग की कॉपी ही बना लेंगे, है ना. तो आप साथ साथ हमारे लिखते जाएंगे कि लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं. जैसे नर्सरी में आपको स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के द्वारा अक्षरों को बनाना, है ना, डॉटेड द्वारा अक्षरों को बनाना सिखाया गया है. और अक्षरों के फॉर्मेशन भी होते हैं. अक्षरों को उनके फॉर्मेशन के हिसाब से न लिखने से हमारी राइटिंग खराब हो जाती है. ठीक है, तो अक्षरों को किस तरह से उनके फॉर्मेशन में बनाते हैं और उनके शब्दों को भी किस तरह से सुंदरता से लिखते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. सो देखिए, यहां मैंने आपके लिए लिखा है दिनांक. ठीक है, 23 अप्रैल 2021 दिन है आज का शुक्रवार, और हम सीख रहे हैं लिखने का तरीका. ओके, सो आपको नर्सरी क्लास में सिखाया होगा ना बच्चों, स्टैंडिंग लाइन, ओके, स्लीपिंग लाइन, स्लांट, इस तरह की स्लांट, कर्व, और इस तरह का कर्व भी सिखाया होगा. और इन्हीं पे हमारे जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वो बनते हैं. ओके, चलिए सबसे पहला हिंदी वर्णमाला का जो अक्षर होता है वो होता है अ. अ कैसे बनता है? कर्व, फिर कर्व, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन. ओके, और फिर यहां स्लीपिंग लाइन. देखिए, स्लीपिंग लाइन को मैंने आगे से शुरू किया तो हमारा अक्षर कितना सुंदर लग रहा है ना. और अ से बनने वाले शब्द क्या है? अनार, और एक बात ध्यान रखना कि जब आप ये स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं तो ये इसके लेवल में ही होनी चाहिए. ये आप अलग से निकाल देते हैं तो आपका अक्षर जो है पूरा बिगड़ जाता है. अब आप क्या करेंगे, इसके आगे के कुछ और शब्द बनाकर लिखेंगे. ओके, और इस तरह से 5 शब्द कंप्लीट करेंगे. हिंदी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है हमारा आ. इसमें 2 स्टैंडिंग लाइन होती है, वो भी लेवल में ही होने चाहिए, और ऊपर हम लगा देंगे स्लीपिंग लाइन. इससे बनने वाला शब्द क्या रहेगा हमारा? आम, है ना. ये देखिए, हमारा पूरा एक लेवल में शब्द आया है. इसी तरह से आप 5 शब्द और लिखने की कोशिश कीजिएगा. हिंदी वर्णमाला का तीसरा अक्षर है हमारा ई. ई के लिए हम स्टैंडिंग लाइन जो खींचते हैं वो छोटी सी होती है, फिर इसे कर्व देते हैं, और ये हिंदी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बन गया? ट. और इसे फिर इधर कर्व, और यहां इसकी गठान लगाकर इसे स्लांट बना दिया और स्लीपिंग लाइन दे दी. ई से बनने वाला शब्द हुआ इमली. आप देखते जा रहे हैं ना किस तरह से मात्राएं लग रही है ना. आप कहीं भी मात्राएं लगा देते हैं वो गलत होता है. ओके, हिंदी वर्णमाला का चौथा अक्षर है हमारा ई, बड़ी. अब इसको जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये किसी भी तरह लगा देते, तो ये रॉन्ग है ना. तो हम क्या करेंगे, ई को इस तरह से लिखकर ई से बनने वाला शब्द ईख. ठीक है, ओके. अब इससे बनने वाले शब्द आप आगे की तरफ लिखेंगे. आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना. हमारे हिंदी वर्णमाला की हमने 4 अक्षर कंप्लीट किए, और 4 अक्षरों में से
आपको ये पता पड़ा कि किस तरह से अ के कर्व को देना होता है और इसकी स्टैंडिंग लाइन को किस तरह से इसमें बराबर लेवल में रखना जरूरी है। ई को जब हम बनाते हैं तो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, कर्व देते हैं, फिर इधर कर्व देके गठान लगा देते हैं। जब बड़ी ई को बनाते हैं तो ऊपर का जो रकार है वो छोटा सा बनाते हैं, न कि बड़ा और अपने किसी भी हिसाब से हवा में उड़ा देना। ओके, सो आज की क्लास में हमने इतना सीखा है ना। आप इसकी प्रैक्टिस घर में करेंगे और नीचे बनने वाले शब्द जो है वो एक लाइन में लिखते जाएंगे। जैसे मैंने आपके इधर लिखा है अनार, और आप जो भी शब्द लिखेंगे वो क्या करेंगे, यहां और इस तरह से अपनी हैंडराइटिंग की कॉपी में लिखते जाएंगे। जैसे मैंने यहां लिखा आम, आप आज, आदमी, है ना, इस तरह से शब्द बना बनाकर लिख सकते हैं। इमली, इमली से बनने वाला शब्द। ओके, इसी तरह से ईख से बनने वाला शब्द, है ना। और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो हैव अ नाइस डे।